पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। भक्त का धर्म होता है अपने भगवान की भक्ति करना, पर भगवान का भी कर्तव्य होता है अपने उस भक्त का भरोसा कायम रखना। ये भगवान हर पहर आपको भोग चढ़ाकर आपकी भक्ति करेंगे, लेकिन आपको भी हमारे भाई जी के लिए कोई संकेत, कोई उपाय, कोई दिशा दिखाकर हमारा भरोसा कायम रखना है। कान्हा जी, हमारी मदद कीजिए। राजकुमारी तारा प्रिया। एकांत, क्या बात है? राजकुमारी जी को तुर्जीना का सलाम। प्रणाम। महारानी सरस्वती जी का पत्र आपके लिए। मां का पत्र? युवराज का उपचार चाहते हैं तो सीधा हमसे मिलने आइए। दुर्जना जी। राजकुमारी, अनुसुईया को बुला लाइए। जी राजकुमारी। तारा, क्या हुआ? अनुसुईया, हमारी माँ का पत्र है। क्या? महारानी सरस्वती जी का पत्र? लेकिन आज से पहले तो कभी नहीं आया है, लेकिन आज भेजा। हमारी माँ आपसे मिलना चाहती है अनुसुईया, और अगर माँ ने बुलाया तो हम जाएंगे। अवश्य जाएंगे। नहीं तारा, नहीं। तुम्हें पता है ना, उन्हें राज दंड मिला है। इतने वर्षों से उन्हें बंदी बना के रखा है, और तो और किसी को भी अनुमति नहीं है उनसे मिलने की। और अगर तुम गई, महाराज को पता चल गया तो तुम्हें दंड मिल जाएगा। अनुसुईया, अनुसुईया, माँ हमारे भाई जी का उपचार बताना चाहती है। हमारे भाई जी के लिए हम कितना भी बड़ा राजदंड स्वीकार कर सकते। हमारे कान्हा जी ने उपाय सुझाकर हमारी प्रार्थना सुनी। जय श्री कृष्ण। राजकुमारी जी ने पता नहीं कब और कैसे आयुर्वेद का ज्ञान अर्जित किया, और अब वो अपने उसी ज्ञान और औषधि के द्वारा राजकुमार जी का उपचार कर रहे हैं। उस दिन वो औषधीय लेप राजकुमारी जी ने ही राजकुमार को लगाया था, और यह देखकर तो मैं भी चकित रह गया। इतना ही नहीं, इस समय वो अपने माता जी से मिलने छिप कर गई हुई है, और यह बात इस दासी के द्वारा मुझे ज्ञात हुई है। उत्तम, अति उत्तम। सही मायने में आप हमारी सच्ची सेविका हैं। ये सूचना देने के लिए छोटा सा उपहार।
वहीं रुक जाइए। आप पल्लवगढ़ की राजकुमारी हो सकती हैं, हमारी पुत्री नहीं। जो लड़ने से पहले ही हथियार डाल दे वो हमारी पुत्री नहीं हो सकती। साहस को छोड़ किस्मत को कोसे वो हमारी पुत्री नहीं हो सकती। खाना पीना छोड़ दे और ये अपेक्षा करे कि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे वो हमारी पुत्री नहीं हो सकती। हमारी पुत्री हमारी तरह ही क्षत्रानी है और क्षत्रानियों का कर्म ही उनका धर्म होता है। आप अपने भाई जी की सेहत ठीक करना चाहती है ना, तो कर्म कीजिए, आवाहन कीजिए, इस तरह निराश होकर मत बैठिए, हदों को पार करिए, आगे बढ़िए। आपकी एक क्षत्रानी पुत्री अपने भाई जी के लिए किसी भी हद के उस पर जा सकती है। तो फिर परीक्षा दीजिए, हम भी देखना चाहते हैं कि महलों के मकबर पर चलने वाली राजकुमारी क्या अपने भाई जी को बचाने के लिए आग पर चलकर हमारे पास आ सकती है। एक बात याद रखिएगा, आपके भाई जी को बचाने का एकमात्र उपाय और मार्ग केवल हमारे पास है। क्या तारा अपनी मां से मिलने गई है? जी महाराज, हमें लगता है कि राजकुमारी तारा प्रिया मां की ममता के कारण विवश होकर उनसे मिलने चली गई। महाराज, हमारी आपसे विनती है कि आप उन पर क्रोधित मत होइएगा। सेनापति जी, राज्य ममता से नहीं, राज्य नियम से चलता है और नियम हम सबके लिए एक समान है। राजकुमारी तारा प्रिया को उनकी मां की तरह बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। बड़ी हो गई है अब तारू और इतनी सुंदर भी। कठिन से कठिन यात्रा का सबसे कठिन पड़ा पहला कदम होता जब आपने अपना पहला कदम उठाया। हमने तभी आपकी निष्ठा आपकी नियत को भाप लिया था। युवराज को अगर कोई बचा सकता है तारा तो वो आप है। जीवा, किंतु हमें भाई जी को बचाने के लिए क्या करना होगा? यूनानी वैद्य का ये कहना है कि हमारे काल में विज्ञान इतना आगे नहीं बढ़ा कि मनुष्य के मस्तिष्क को खोलकर उसका उपचार किया जा सके, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सदियां लग जाएंगे। किंतु आप, अगर आप समय से आगे चली गई तो मां, ये कैसे संभव है? भला कोई समय से आगे कैसे जा सकता है? हम जा चुके हैं तारा। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।